सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में जिले में विभिन्न विकास योजनाओं के संबंध में समीक्षा बैठक बीडीओ एबीडीओ सहित पंचायत सचिवों के संग संपन्न हुई। समीक्षा बैठक में सीडीओ द्वारा निर्देशित किया गया कि विभिन्न विकास योजनाओं को जमीनी स्तर पर ईमानदारी पूर्वक लागू करें। बैठक में जिले के सभी बीडीओ एबीडीओ सहित पंचायत सचिवों सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तो नंबर्स आप सबके लिए मंगलमय रहे, अच्छा रहे और एक अच्छी शुरुआत के लिए आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग का जो है मनरेगा और जो हमारे NRLM है उसका रिव्यू है, आपके ब्लॉक्स पे क्या क्या चीज़ें जो इस्टेब्लिशमेंट के लिए चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के लिए चाहिए उसका रिव्यू है। इसके अलावा डीएम सर जो है कच्ची नालियों के बारे में जो पक्का कर रहे हैं उसके बारे में पूछेंगे आप लोगों से, उसको भी स्टार्ट करते हैं। मैं एक रिव्यू दे रहा हूँ कि जब सर भी ज्वाइन करेंगे आते तो सर अपने पूरा डिटेल रिव्यू लेंगे और यूप आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए बुकलेट सब लाए होंगे और ये जो रिव्यू होगा इसमें आपने इंटरेक्टिव रहना है और अपना जो पक्ष है रखना है, जो आपने मेहनत की है वो रखनी है। उसमें से चयनित आपने 128 किए, निर्माणाधीन आपके 88 पास का और आपके जो पूर्ण है 27 है, जिसमें आपने केचुए डाल दिया वो 17 है। तो ये बताइए कि ये 128 क्यों नहीं स्टार्ट हुए, क्यों नहीं आपने सचिव की जिम्मेवारी फिक्स की? सर 128 बात नहीं है, जब आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस है 88 आप करवा सकते हैं तो 42 के लिए सिंपली आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है, ग्रुप पे डालना है, एक डेटा एनालिसिस करना है कि ये जो सचिव है जिनके जो डीपीज में भी 60 दिन जिम्मेवारी भी चाहिए। हाँ देखिए, अब इन चीजों में जब इतना क्लियर स्पष्ट इंस्ट्रक्शन सारे आपको एस्टीमेट दे दिए गए हैं तो कुछ चीजों में तो बिल्कुल हमें 100% दे देना चाहिए। मैं बहुत मतलब एक रिक्वेस्ट बोल रहे आप सबको कह रहा हूँ, ये 78 के सापेक्ष 58 ही अभी जो है निर्माणाधीन हुए, तो ये सिंपल क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा आपसे और फिर नेक्स्ट हमारा जो लक्ष्य है इसके बाद नाटे फिट का है। देखो ये तो हमने पुश किया, अब हमें इससे आगे भी बढ़ना है, इसे आगे कोई भी तालाब कोई भी स्टेडियम जो हमें बड़े स्केल पे जो प्रेजेंटेबल एटलीस्ट एक एक तो ब्लॉक से आना चाहिए, एक बढ़िया इंटरलॉकिंग आनी चाहिए ब्लॉक से। इवन एक दो तीन इंटरलॉकिंग आई है, मैं ऐसे मना नहीं कर रहा हूँ ना नेगेट कर रहा हूँ आपको, चीज़ों पर मैं पूरा आपसे एग्री हूँ। पंचायत भवन तो सारे हर ब्लॉक में बने हैं और ये कम्युनिटी टॉयलेट भी बने हैं, ये जो आपने अभी बताया कि बाउंड्री वॉल का बना है ये भी ठीक है, लेकिन उसका जो नंबर है उसको अब बढ़ाना है। लेकिन कुछ ब्लॉक ने अभी भी टच ही नहीं किया और वो ब्लॉक की संख्या 50% है, 50% से भी ज्यादा। तो मेरे जो 12-13 ऐसे ब्लॉक है जिन्होंने कन्वर्जेंस में बहुत कम काम किया जिससे जो ग्राउंड पे असेट बनते हैं वो ज्यादा बन जाते हैं, वो हमें उसमें वर्क करना है, क्लियर है? तो कन्वर्जेंस की अकाउंटिंग में अभी सर आपको दिशा निर्देश देंगे कन्वर्ज है हमारे और ये चारागाह के जो बन रहे हैं तो PDO पंचायत बताएंगे क्या आपका रोल है इसमें, आपने क्या किया है? PDO ही देखते रहे हैं और ये पंचायत साहब जो ये अच्छी मीटिंग है सर कि सबको एक साथ प्लग करके काम कराया जाए, खत्म कर रहे हैं आपसे और सर को ये बता दे रहे हैं सबने, ये समझ लीजिए कि सारे काम एक ब्लॉक में है, सबकी एक फैक्ट्री है, मतलब ये नहीं होता कि एक ही आप जादू की जड़ी नहीं और बोल रहे वो इम्प्रूवमेंट ही सामने बोल रही है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे मनरेगा के असेट्स हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं है कि आज हम बोल सकते हैं कि मार्च 31 तक मैं 5 स्टेडियम पूरे करा दूंगा, मार्च 31 तक 4 मैं चारागाह पूरे करा दूंगा, तालाब अभी दिख नहीं रहे आपके 15 आपने चैलेंज जो किए 15 करोड़ तो 15 पूरे करा देंगे, तो ये मेरे पास कॉन्क्रीट असेट्स है। इसके अलावा अभी गलियां बताइए इतने यहाँ कितनी CC बनी है मनरेगा से बताइए सिद्धांशु, 5 साल में कितनी CC बनी है? सर 11 में काम चल रहा है। वेरी गुड, उसकी फोटो है आपके पास? सर इसमें होगा सर स्लाइड दिखाई। सर ये क्या है बताइए? सर ये जो है इसको फुल स्केल पे करो, खेल का मैदान बना रहे हो ना सर, अब इसमें देखिए
इसमें कन्वर्जेंस में कैसे काम हो सकता है, कोई दीजिए आइडिया। कार्तिक आप दीजिए, कैसे कन्वर्जेंस कर सकते हो खेल के मैदान में। डूब जाते हैं कि ये कोचिंग पार्टिकल हमने ऐसा ना हो कि बच्चों की खेलने की जगह बना दी उसकी क्लास, ठीक है मुझे दिखी रहा है इसलिए मैं व्यू दे रहा हूँ। दूसरा पोषण वाटिका में जो मेन कंपोनेंट है पोषण वाला कंपोनेंट जरूर डिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। उसमें जो जो चीजें हैं उसके बहुत अच्छे जीओज हैं। थोड़ी सी रिसर्च करके अगर आप अपने अधीनस्थ सचिव को गाइड कर देंगे तो इसको अच्छा बना लें। अब गाइड कैसे करोगे, आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बात कर लीजिए। हाँ, कुछ नहीं एग्जैक्ट बोलते हैं कुछ तो सफेद हल्दी है, सही है। और बताइए।